हेलो दोस्तों, आप सभी को जोहार। और मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे गार्डन पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से हैं और ढेर सारे बागवानी कर रहे हो और इस मॉनसून का लुत्फ़ उठा रहे हो। दोस्तों, ये मॉनसून का मौसम हम गार्डनिंग करने वालों के लिए बहुत ही पसंदीदा और प्यारा होता है। तो दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में, और इस वीडियो पर मैं आपके साथ में साझा करूंगा मेरे वाटर गार्डन का एक प्लांट जो काफ़ी सुंदर और प्यारा प्लांट है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसका जानकारी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है मेरे वाटर लिटेस का प्लांट, जिसे वाटर केवेज के नाम से भी जाना जाता है और इसे जलपरी भी कहा जाता है। और हमारे इंडिया में दोस्तों, ज़्यादातर इसे लोग वाटर केवेज के नाम से ही जानते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं। तो दोस्तों, देखिए ये सुंदर सा एक पॉट पर, ये पॉट भी मैंने अपने हाथों से बनाया था बोनसाई के लिए, और देखिए काफ़ी खूबसूरत है। और इस पर मैंने ये वाटर केवेज जो है दो एक मैंने डाले थे, अभी देखिए पूरा तरह से ये पॉट में कवर हो चुका है, जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी तरह से ये प्लांट भर गया है, और देखने में काफ़ी लाजवाब, और इसके भी एकदम पत्ते भी एकदम ताज़े हैं। तो दोस्तों, इस ये प्लांट जो होता है, एक तो काफ़ी खूबसूरत भी है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। ये प्लांट अगर आप वाटर गार्डन कर रहे हो, तो इस प्लांट को अगर आप जहाँ पानी आपका गंदा है किसी पॉन्ड पर, जिस पर आपने फिश छोड़े हुए हैं, इस प्लांट को अगर आप रखते हो, तो ये आपके पानी को क्लीन भी करता है, एकदम क्रिस्टल क्लीन हो जाता है। और इसके अलावा ये अब्सॉर्ब करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके पॉन्ड में जितने सारे भी गंदगी होती है तो ये अब्सॉर्ब कर लेता है। और देखिए एक और एक पॉट पेपर भी मैंने इसे लगाया था, तो काफ़ी ग्रोथ हो गया है इस सबका, ये काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों, और ये जो है पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाता है, और जिसमें अगर आपका पॉन्ड में फिश है तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, ये भी एक बड़ा सा टब है जिस पर मैंने लोटस का एक वैरायटी लगाया था, और इसमें भी देखिए ये वाटर केवेज भर गए हैं। दो चार प्लांट मैंने इसमें छोड़े थे, और क्योंकि ये दोस्तों इस टब में मैंने जो लोटस लगाया था, और उसमें जब हमने खाद डाले थे तो शायद खाद की मात्रा कुछ ज़्यादा ही था, तो मेरा वाटर जो लोटस था वो काफ़ी ग्रोथ हुआ, और फिर उसके बाद में इसकी पत्तियां दोस्तों इस तरह से जलने लगे, हर एक पत्ती जलने लगा, और पूरा हरा भरा प्लांट दोस्तों धीरे धीरे जो है ख़राब होने लगा। और मैं तब उसे मैं रिपोर्ट करना चाहता था, पर उसमें ना ही कुछ ट्यूबर बना था, राहिन रनर था, तो उसको अगर उठाते तो ये ख़राब हो जाता। तो दोस्तों, उस समय मैंने इसमें जो है वाटर केवेज डाला, क्योंकि इसमें अब्सॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और गोबर खाद ज़्यादा होने के कारण दोस्तों महीना भर भी नहीं हुआ, और देखिए ये पूरे तरह से गमले में भर चुके हैं। और मेरे जो लोटस भी है दोस्तों, उसमें भी नए नए पत्ते निकल आए हैं, और ये पत्ते देखिए दोस्तों एकदम फ्रेश है, किसी तरह का इसमें जलने का या ख़राब होने का किसी तरह का निशान नहीं है, और इसमें अभी पत्ते बहुत सारे निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी मैं करने जो जा रहा हूँ, मैं अभी करूँगा कि अभी मेरे ये भर गए हैं पूरी तरह से ये वाटर केवेज, तो मैं अभी इन्हें निकाल के बाहर कर दूंगा, क्योंकि अभी काफ़ी ये इतना तेज़ी से ग्रोथ हुए हैं, इसी से पता चल रहा है कि जितना इसमें एक्स्ट्रा जो खाद था, ज़्यादा खाद था, इन्होंने अब्सॉर्ब कर लिया है। और इसका साइज़ भी देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, और ये काफ़ी खूबसूरत है देखने में, देखिए कितना खूबसूरत इसकी बनावटी है, और एकदम फ्रेश और ताज़े हैं, और अच्छे से ये पानी में दोस्तों तैरते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी जो मैं है इन्हें निकाल कर बाहर कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो लोटस है ये, ताकि अच्छे से ग्रो कर पाए, और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा लोटस फिर से वो ग्रो होने लगा है, वो वैरायटी। तो और ये एक पॉन्ड है मेरा दोस्तों, और इस पर भी मैंने दो एक डाल कर रखे थे, और देखिए ये काफ़ी सुंदर से, और देखिए इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा और कितना खूबसूरत ये ग्रो हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नए दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को दबाएं। और आज के लिए बस इतना ही, दोबारा से मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।